देखते हैं कैसे बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या डलेगा। हम इसमें ना कुकर का यूज़ करेंगे ना ओवन का यूज़ करेंगे, हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। टोमेटो केचप के लिए हैं। अब हम इसमें एक चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्ची और एक चम्मच मिक्स हर्ब। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये लीजिए, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अगर आपके पास रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, उसको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच मिक्स हर्ब डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर इन सबको मिक्स करेंगे। एक छोटा चम्मच ऑयल का डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, 2 कटा हुआ लहसुन डालेंगे, आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 कट किए हुए प्याज डालेंगे, फिर इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 कट की हुई गाजर डालेंगे, शिमला मिर्ची डालेंगे, स्वीट कॉर्न डालेंगे, फिर इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 कट की हुई लाल मिर्ची डालेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर इन सबको मिक्स करेंगे। हमको सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है, हमको सब्जियां क्रंची रखनी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सॉस डालेंगे जो हमने बनाई थी। अब हम इसमें 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्ची डालेंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम इसमें हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर डालेंगे। हमको इसको 3-4 मिनट ही पनीर डालकर पकाना है। अब हमारी फिलिंग बनकर तैयार है।